मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित IFTM विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना NSS इकाई और IFTM यूनिवर्सिटी एल्यूमिनाई एसोसिएशन IUAA के संयुक्त तत्वाधान में उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए समीपस्थ ग्राम पल्लूपुरा घोसी में नारी स्वावलंबन प्रोत्साहन केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र का उद्घाटन विश्वविद्यालय की NSS इकाई के समन्वयक व स्कूल ऑफ साइंसेज के निदेशक प्रोफेसर VK सिंह ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर राहुल कुमार मिश्रा ने बताया कि ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस नारी स्वावलंबन प्रोत्साहन केंद्र की स्थापना की गई है। हम सभी का लक्ष्य है कि ग्रामीण महिलाएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्वावलंबी बने। उन्होंने ये भी कहा कि ये केंद्र आप सभी को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से हम सभी आपकी हर संभव सहायता करने के लिए सदैव तत्पर हैं। इसी कड़ी में चीफ प्रोक्टर प्रोफेसर मनोज कुमार ने नारी स्वावलंबन के महत्व के विषय में विस्तार से बताया। विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग के कृषि विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णपाल ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उद्यमिता के महत्व पर प्रकाश डाला। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अलका शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए गाँव की महिलाओं को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के सफल आयोजन में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के निदेशक KK बंसल, कार्यक्रम के सह समन्वयक व डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर अरुण कुमार मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर अभय सैनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अंत में ग्राम प्रधान खैरुन निस्सा ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को धन्यवाद देते हुए कहा कि गांव की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में विश्वविद्यालय द्वारा ये अत्यंत सराहनीय कार्य किया गया है। इस कार्यक्रम में 60 से अधिक ग्रामीण पुरुष व महिलाओं ने हिस्सा लिया। और अगर शादीशुदा है तो पति की होती है, लेकिन बावजूद उसके क्योंकि वो बराबर की हकदार हैं, हिस्सेदार हैं, तो उनके पास भी कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर वो उसको करें और ना ज़रूरत पड़ने के बावजूद भी इकोनॉमी में हाथ बटाएं, साथ बटाएं। तो जो IFTM का ये एल्यूमिनी एसोसिएशन एक होता है, हमारे IFTM से जितने बच्चे पढ़ के जाते हैं वो लोग सारे इकट्ठे होते हैं और कुछ ना कुछ इस तरह का सहायता के तौर पे करते हैं क्योंकि वो खुद स्वावलंबित हो जाते हैं। क्या करती हैं आप? पढ़ाई करती हैं। आपके जो है गांव में सिलाई सेंटर की स्थापना हुई है, इससे आपको क्या क्या फायदा होगा? हमको मतलब सीखने को मिलेगा, हम औरों को जागरूक करेंगे सिखाने में और हम मतलब अपने आसपास के सब बच्चों को, अपने परिवार वालों को सिखाएंगे। IFTM के बारे में क्या कहना चाहेंगी जिन्होंने सिलाई केंद्र की स्थापना कराई? आप बताइए क्या नाम है? जोर से बोलिए। मधु कुमारी। आप पढ़ती है कौन सी क्लास में? हाई स्कूल में। तो आज आपके गांव में सिलाई केंद्र की स्थापना हुई है IFTM विश्वविद्यालय के द्वारा, इससे आपको कितना फायदा होगा? फायदा होगा। पहले सिलाई सीखी थी आपने? अच्छा, अभी और सीखेंगी? सिखाएंगे भी। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? क्या करती हैं आप? मैं यहाँ से ग्राम पंचायत से पंचायत शायद। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने पीजी कर रखा है, एमकॉम फाइनल। अच्छा, IFTM विश्वविद्यालय की ओर से आज नारी स्वावलंबन प्रोत्साहन केंद्र की स्थापना यहाँ की गई है, जिसके तहत 5 सिलाई मशीनें रखी गई हैं। इससे गांव में लोगों को क्या फायदा होगा, गांव की महिलाओं को? गांव की महिलाओं को सर मेरा मतलब बहुत फायदा होगा यहाँ से, बहुत ज़्यादा महिलाओं को रोजगार मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसी है थोड़ा, तो मतलब सिलाई करने से बहुत बेनिफिट है। हाँ, अच्छा, IFTM विश्वविद्यालय के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर IFTM विश्वविद्यालय के बारे में बहुत कुछ कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने इतना गाँव के बारे में सोचा कि हाँ गाँव की नारी आगे बढ़े और अपने मतलब इंडिपेंडेंट रहे।